हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वाई स्क्वायर में 21y+90 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्वेश्चन में पहले जो 21 है उसको हमने डिवाइड कर लिया 15 और 6 में। 21 जो था बीच वाला माइनस का था, इसलिए हमने दोनों को माइनस में लिया है। और दोनों का जो मल्टीप्लाई है 15 और 6 का जो मल्टीप्लाई है वो 90 के बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है ऐसे बराबर होना चाहिए इसके, तो 15 और 6 में डिवाइड कर लिया। और उसके बाद क्या, वाई हमने बाहर निकाले, अंदर क्या बचा, वाई माइनस 15, क्योंकि 15 के साथ एक ही वाई था, तो एक ही वाई जो बाहर आ गया तो 15 अकेला बचा। और स्टार्टिंग में वाई स्क्वायर था तो उसका वाई बचा अंदर। उसके बाद माइनस 6 हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, वाई बचा है 6 के साथ जो वाई था। और जबकि हमने यहाँ पे माइनस का निकाला तो जो प्लस 90 था वो भी माइनस का हो गया। और उसका क्या बचा, 6 से डिवाइड करोगे 90 को तो 15 बचा माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब ये दो ये जो दो फिगर्स आ गई, एक वाली इधर है और ये माइनस के बाद एक दूसरी फिगर इधर है, तो इन दोनों में कॉमन निकाल लिया। इनमें क्या कॉमन है, वाई माइनस 15 दोनों में है, तो हमने वाई माइनस 15 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। और अंदर क्या बचा, फिर ये वाई बचा और ये 6 बचा, तो उसको वाई माइनस 6 हमने यहाँ पे लिख लिया और इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये फिगर और ये फिगर आप देख सकते हो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है दोनों। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी ये बराबर 0 का है। तो हमने इसको पहले बराबर 0 रख लिया और फिर इसको बराबर 0 रख लिया, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y का वैल्यू जो 15 और 6 आ गया, या तो y का वैल्यू अगर 15 रहेगा तब ये 0 के बराबर होता है, या फिर 6 रहेगा तब 0 के बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।